हिमांशु जी बहुत स्वागत है आपका जनतंत्र टीवी में। शुरुआती रुझान सामने आने लगे हैं, वोटों की गिनती यहां पर शुरू हो गई है, किस तरीके की उम्मीद जता रहे हैं आप? देखिए साहिल जी, सबसे पहली बात है कि अभी पोस्टल बैलेट का काउंटिंग हो रहा है, अभी तो शुरुआत ही हुआ है। जब जब समय जब आगे समय बीतेगा, जितना समय बीतेगा, इलेक्ट्रॉनिक मशीन से भी वोटिंग का काउंटिंग होगा, उसके बाद पता चलेगा कि कौन सा दल किस स्थिति में है, कौन सी पार्टी सरकार बनाने की स्थिति में, कौन सा गठबंधन सरकार बना। साहिल जी, एक आप पर से आपत्ति है कि आप बार बार एनडीए गठबंधन कहते हैं। यदि एनडीए गठबंधन कहते हैं तो इधर भी इंडिया गठबंधन आप कहें तो अच्छा रहेगा, ये अच्छा नहीं। दूसरी बात है कि जिस तरह से अभी आप देख रहे होंगे इस शुरुआती रुझान में भी जो पोस्टल बैलेट का काउंटिंग चल रहा है उसमें भी लग रहा है कि इंडिया गठबंधन निश्चित रूप से सफलता पाएगी, क्योंकि अभी शुरुआत में जब कहीं भी देखे होंगे आप पोस्टल बैलेट के बाद जो इलेक्ट्रॉनिक मशीन का काउंटिंग होता है उसके बाद परिणाम बदल जाते हैं, तो इससे स्पष्ट है कि कांग्रेस गठबंधन इंडिया गठबंधन निश्चित रूप से जनता का आशीर्वाद इनको मिलेगा और हम लोग फुल मेजोरिटी के साथ सरकार बनाने की स्थिति में होंगे, कंफर्टेबल मेजोरिटी हम लोग को मिलने जा रहा है। ठीक है हिमांशु जी, उम्मीदें यहाँ पर जरूर सबकी बनी हुई हैं, तमाम राजनीतिक दल जो हैं वो अपनी अपनी जीत का दावा करते हुए भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। बहरहाल ये तो नतीजे ही बताएंगे कि जनता ने किसे जनादेश दिया है और किसे बाहर का रास्ता यहाँ पर दिखा दिया है, सभी की निगाहें टिकी हुई है। लेकिन काफ़ी दिलचस्प इस बार के नतीजे होने की उम्मीद यहाँ पर पूरी तरह से जताई जा रही है। हमारे साथ विवेक श्रीवास्तव जी भी हैं। विवेक जी बहुत स्वागत है आपका जनतंत्र टीवी में। क्या कहेंगे सर, जिस तरीके से आज परिणामों पर सबकी नज़र है और महाराष्ट्र की बात करें तो महाविकास आघाड़ी महायुति में कांटे की टक्कर यहां पर बताई जा रही थी, झारखंड की बात करें तो वहां भी अमूमन एनडी गठबंधन और एनडीए में जबरदस्त टक्कर की उम्मीद यहां पर है, क्या कहेंगे? कोई टक्कर नहीं है साहिल जी। आप अपने स्क्रीन पे देखिए, धीरे धीरे आंकड़े में अंतर बढ़ता जा रहा है। एनडीए गठबंधन के आंकड़े धीरे धीरे ऊपर होते जा रहे हैं और इंडी गठबंधन के आंकड़े धीरे धीरे नीचे की तरफ खिसकते जा रहे, दोनों के फासले बढ़ते जा रहे हैं। अभी 2 घंटे के अंदर ये फासले और बढ़ जाएंगे। पोस्टल बैलेट पहले गिना जाता, सही बात है, लेकिन जो रुझान आपकी स्क्रीन पे आ रहा है कि जहां जाके पोस्टल बैलेट गिने गए वही आ रहा है। अब इसके बाद ईवीएम की काउंटिंग शुरू हो जाएगी, मेरे ख्याल से 10 बजे तक तस्वीरें बहुत साफ हो जाएंगी। 12 बजे जो सीन होगी, हम दोनों प्रदेशों में स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाने की ओर बढ़ चुके रहेंगे, तो चंद घंटों की बात है। फिलहाल जो ओपनिंग हुई है दोनों प्रदेशों से, वो बहुत कुछ संदेश देने के लिए पर्याप्त है कि वहां सरकारें किस ओर जा रही हैं।